नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फार्मिंग पैशन यूट्यूब में। आज हम बात करेंगे स्टाइलिश ट्रैक्टर सोनालिका की तरफ से आने वाले टाइगर सीरीज के बारे में, जिसकी डिजाइनिंग की गई है यूरोप में और बनाया गया है इसको भारत में। इसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव डिजाइनिंग किया गया है और इसके अंदर काफ़ी बड़े बदलाव लेकर के आई है सोनालिका कंपनी। सबसे पहले लुक की बात करें तो इसका लुक काफ़ी ट्रैक्टरों के मुकाबले एकदम चेंज कर दिया गया है, जिसे कंपनी ने नाम दिया है यूरो डिजाइन। मतलब इसे डिजाइन इन यूरोप कहा जाता है। अगर हम बात करें इसके फ्रंट की तो इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद क्रोमिंग के साथ दिखेंगे, उसी के साथ LED ग्रिल भी दिखेगी। दोनों हेडलाइट के बीच टाइगर की ब्रांडिंग के साथ सोनालिका की बैजिंग क्रोम के साथ फ्रंट ग्रिल पर दिया गया है। ये ट्रैक्टर 4D कूलिंग के साथ आता है। वहीं साइड में सोनालिका की ब्रांडिंग क्रोम फिनिश के साथ आपको देखने को मिल जाता है। उसी के साथ स्टिकरिंग भी देख सकते हैं, जिसमें डुअल क्लच, 1800 किलोग्राम लिफ्ट कैपेसिटी, मल्टी स्पीड शटल शिफ्ट गियर, आयल इमर्स, मल्टी डिस्क ब्रेक और HDM टेक्नोलॉजी की स्टिकरिंग मिल जाएगी, जिसे देखकर आपको ये लगेगा कि ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा सॉलिड डिजाइन किया गया है। वहीं फ्यूल टैंक पर देखेंगे टाइगर DI 50, जो कि 52 HP कैटेगरी का है, उसकी बैजिंग देखने को मिल जाएगी। वहीं ट्रैक्टर के दूसरी साइड की बात करें तो 4D एयर कूलिंग, पावर स्टीयरिंग, डिजाइन इन यूरोप, स्मूथ शिफ्ट, एक्सो सेंसिंग हाइड्रोलिक और टाइगर DI 50, इन सभी की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। अब बात करें फेंडर की तो इसमें LED डिजाइन वाली लाइटें देखने को मिल जाएगी। अब इन सब के बाद अगर हम इसके मेन पार्ट इसके इंजन की बात करें तो इसका बोनट डबल गैस स्टट से ऑपरेट होता है। मतलब आप इसे स्मूथली ऊपर उठा सकते हैं। फ्रंट में बैटरी लगाई गई है। वहीं सामने ऊपर की तरफ ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर लगाया गया है। बड़े रेडिएटर के साथ जाली देखने को भी मिलेगी, जिसकी सहायता से रेडिएटर में धूल मिट्टी न जाए। कूलेंट के लिए एक अलग से कंटेनर लगाया गया है। ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ जो आपको मिलने वाला है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर 55 लीटर की फ्यूल टंकी मिल जाने वाली है। अब बात करें इसके ताकत की तो इसमें 50 HP की ताकत वाला 3 सिलेंडर बॉस का इनलाइन पंप, 3065 CC 2000 इंजन रेटेड RPM पर अपना पूरा पावर प्रोड्यूस कर देता है। उसी के साथ इंजन इसका नॉन टर्बो है। अब बात करें इसके टॉर्क की तो ये इंजन 205 Nm का टॉर्क जनरेट कर देता है, जो कि सबसे ज़्यादा टॉर्क है एक 50 HP ट्रैक्टर के लिए। वहीं ऊपर की तरफ पावर स्टीयरिंग के लिए एक अलग से कंटेनर सेपरेट टंकी लगाई गई। वहीं पर अगर पूरे इंजन पर हम नज़र डालें तो इसमें कोई भी EGR वगैरह नहीं लगाया गया है। डबल टैंडम पंप लगाया गया है, जो कि स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक के लिए सेपरेट लगाया गया है। ब्रेक टाइप की बात करें तो आयल इमर्स मल्टी डिस्क ब्रेक दिए गए हैं और कंपनी का कहना है कि इसको हमने जो है साइज इसका डाया साइज बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि इसकी ब्रेकिंग
एफिशिएंसी पुराने सोनालिका के मुकाबले ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी और ज़्यादा समय तक चलने वाली है। अब बात करते हैं इसके प्लेटफॉर्म की, तो इसमें बहुत बड़ा फ्लैट प्लेटफॉर्म और हल्का सा बम्प देखने को मिलेगा। बात करें इसके डैशबोर्ड की, तो इसका डैशबोर्ड काफ़ी स्टाइलिश और क्रोमिंग के साथ आने वाला है, जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, तो इसमें फुली डिजिटल वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद साइज्ड शिफ्ट क्रोमिंग के साथ देखने को मिल जाता है। वहीं साथ में लेफ्ट साइड में पार्किंग इंडिकेटर और राइट साइड में एलईडी ऑपरेट करने के लिए एक स्टाइलिश स्विच दी गई है। वहीं लेफ्ट साइड में लाइट को ऑपरेट करने के लिए कार की जैसी कॉम्बिनेशन स्विच दी गई है, जिससे आप ऑन मेन लाइट और पार्किंग लाइट एक ही स्विच से ऑपरेट कर पाएंगे। अब बात करें इसके गियर बॉक्स की, ये ट्रैक्टर 12+12 गियर बॉक्स के साथ आता है। अब बात आती है इसके रिवर्स गियर की, तो इसमें रिवर्स गियर लीवर के अंदर कहीं भी दिख नहीं भी रहा है। तो इस मेनली फीचर की अगर हम बात करें, तो गियर टाइप इसमें कांस्टेंट मेंस गियर बॉक्स दिया गया है। वहीं पर शटल शिफ्ट गियर में ही रिवर्स गियर का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी सहायता से आप इस ट्रैक्टर को सेम स्पीड में आगे की तरफ और सेम स्पीड में पीछे की तरफ आसानी से कर पाएंगे। अब इसके लिफ्ट की और हाइड्रोलिक की अगर हम बात कर ले, एडीडीसी टाइप की हाइड्रोलिक दी गई है, जिसके अंदर 3-पॉइंट सेंसिंग के साथ आपको ये लिफ्ट मिलने वाली है। इसमें डबल SCB वाल्व और उसे ऑपरेट करने के लिए एक लीवर दिया गया है, जिसकी सहायता से रिवर्सेबल MB प्लाउ, लेजर लैंड लेवलर और ट्रिपिंग ट्राली जैसी महत्वपूर्ण इम्प्लीमेंट आसानी से चला सकते हैं। डुअल PTO के साथ 540 और रिवर्स PTO, जिसे फुल क्लच दबाकर ऑपरेट कर पाएंगे। अगर कंपनी चाहती तो इसमें इंडिपेंडेंट क्लच दे सकती थी, ये एक कमी मुझे लगी इस ट्रैक्टर में। अब हम आते हैं इसके बैक एंड की तरफ, तो इसमें देखेंगे आप काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। कंपनी का कहना है इसके 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली हाइड्रोलिक दी गई है, जिसमें 130 पॉइंट पर ये सेंसिंग करेगी। इसका मतलब है कि इसमें सेंसिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं इसके फ्रंट टायर की, तो फ्रंट टायर इसका 750/16 और रेयर टायर आपको 1428 का मिलने वाला है। अब इसके मैन जो हाइड्रोलिक एक्सो सेंसिंग की बात करते हैं, जिसमें 130 पॉइंट सेंसिंग मिलने वाली है, जिसकी वजह से इसको एक्सो सेंसिंग का नाम भी दिया गया है। अब बात करें इसके रियर एक्सल की, इसमें ग्रीसिंग पॉइंट क्राउन पिनियन रिडक्शन वाला रियर एक्सल दिया गया है, जिसके अंदर आपको स्ट्रेट टाइप का एक्सल मिलने वाला है। अब इसके सर्विस अंतराल की हम बात करें, तो 500 घंटे का सर्विस इंटरवल, 5000 घंटे या 5 साल की वारंटी मिलने वाली है। सबसे हाईएस्ट स्पीड 39 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इस ट्रैक्टर में दी गई है। बात करें इसकी PTO HP की, तो इस ट्रैक्टर में 44 HP की भारी भरकम PTO हॉर्स पावर दी गई है। तो किसान साथियों, अगर इसमें कुछ हमसे छूट जाता है या रह जाता है, तो आप उस बात को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कर दीजिएगा, उसकी जानकारी देने की हम पूरी कोशिश करने वाले हैं। तो किसान साथियों, हम स्टार्ट कर लेते हैं और आपको इसकी आवाज़ सुनवाते हैं। इसके अंदर जो किसान साथियों पैर वाली रेस है, वो कार के जैसे बनाई गई है और आपके रीच में ही मिल जाने वाली है, तो आप लोग देख सकते हैं। और इस ट्रैक्टर को हम करते हैं न्यूट्रल और सुनवाते हैं इसकी आवाज़।
किसान साथियों, इसकी आवाज़ आप लोग सुन सकते हैं। थोड़ा साइलेंसर इसका निकाला गया है, शोरूम में अंदर नहीं आ पाता है, इसके लिए साइलेंसर कंपनी ने यहाँ पर डीलर ने खुलवा के रख दिया है। तो आवाज़ आप लोग सुन सकते हैं इसकी, और किसान साथियों आवाज़ कुछ ज़्यादा ही इसकी लग रही है। और फ्यूल टैंक के जो लॉक की हम बात करें, इसके ऊपर जो कैप लगी होती है क्रोमिंग के साथ, वो की लॉक आपको मिलने वाली है, जो इस ट्रैक्टर के लुक को एक अलग सा लुक प्रदान कर देने वाली है। आपको मैं फ्रंट से इसकी DRL लाइटें दिखाने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं। इसके लुक को जो चार चांद लगा देती हैं DRL लाइटें, इस ट्रैक्टर के लुक को एक अलग ही लुक प्रदान कर देती हैं। आप लोग देख सकते हैं किसान साथियों, इसके फेंडर वाली लाइटें भी आप लोग देख सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो किसान साथियों। वीडियो हमारी अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेने का इच्छुक है तो मैं इस एजेंसी का मोबाइल नंबर, जो हमारे सर हैं उनका नंबर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा। और ये एजेंसी यहाँ अमेठी में जो राहुल गांधी का घर है यहाँ पर ये स्थित है। तो आप लोग यहाँ पर विजिट करके इस ट्रैक्टर के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इसको चला करके देख सकते हैं, इसका डेमो आप लोग ले सकते हैं। जय किसान साथियों।